इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे एक नई ट्रेन के डिटेल्स के बारे में जो कि बिहार झारखंड के रास्ते विशाखापट्टनम और बनारस के बीच चल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नई समर स्पेशल ट्रेन के बारे में, टाइमिंग, रूट और स्टॉपेज के भी बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान पैसेंजरों के अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे की तरफ से कई जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है और इसी क्रम में एक और नई ट्रेन का संचालन आज से शुरू हो चुका है। यह ट्रेन झारखंड के रांची बरकाकाना के रास्ते गढ़वा रोड होते हुए डेहरी ऑनसोन सासाराम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते विशाखापट्टनम और बनारस के बीच दोनों ही दिशाओं में चलेगी। ट्रेन नंबर 08588 के साथ इस ट्रेन का संचालन विशाखापट्टनम से और ट्रेन नंबर 08587 के साथ यह ट्रेन बनारस से चलेगी। दोनों ही दिशाओं में ट्रेन का बुकिंग आज से चालू हो चुका है। यह एक स्पेशल ट्रेन होगी तो ऐसे में 19 अप्रैल से लेकर 17 मई तक यह ट्रेन विशाखापट्टनम से बनारस के लिए चलाई जाएगी। सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को यह ट्रेन विशाखापट्टनम से चलेगी और बनारस से यह ट्रेन 20 अप्रैल से लेकर 18 मई तक प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार को चलाई जाएगी। आइए बात करते हैं ट्रेन के रूट और स्टॉपेज के बारे में। यह ट्रेन वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑनसोन, गढ़वा रोड, डाल्टनगंज, लातेहार, बड़काकाना मुड़ी, रांची हटिया, राउरकेला, झारसुगुड़ा, संबलपुर होते हुए टिटलागढ़ के रास्ते यह ट्रेन विजयनगरम, कोतवलसा जैसे तमाम रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए यह ट्रेन विशाखापट्टनम को पहुंचेगी। विशाखापट्टनम से यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को 12:30 पर खुलेगी और गुरुवार को 2:55 पर रांची पहुंचेगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन बनारस को जाएगी दूसरे दिन। तो यह था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही नई ट्रेनों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।